तो आज का जो वीडियो है आप सभी सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग रिजल्ट से रिलेटेड कुछ एक अपडेट्स के बारे में जानेंगे कि आखिर आपका जो सीबीएसई का रिजल्ट आ रहा है उसमें इस बार क्या कुछ रहने वाला है, आपका रिजल्ट का डेट क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको क्लैरिफाई की जाएंगी। साथ ही साथ क्या आप सभी बच्चों को इस बार सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देने वाला है, अगर देता है तो कितना देगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में बताया जाएगा। देखो पहला हम लोग का जो अपडेट है, जो पहला हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है, तो देखो अभी तक सीबीएसई के वेबसाइट पे अगर मैं आपको दिखा दूं तो अभी भी सीबीएसई के वेबसाइट पे यही शो किया जा रहा है। अगर आप चेक करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे खोल रखा है, देखो सीबीएसई के वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं तो अभी भी यही दिखाया जा रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर्ड आफ्टर 20 मई। लेकिन आप यकीन मानो कि ऐसा फिक्स नहीं है कि आपका रिज़ल्ट 20 मई के बाद ही आएगा, ये एक कह लो टेंटेटिव डेट है। हो सकता है कि इससे पहले भी आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएं, लेकिन भाई अब सीबीएसई ने कह दिया है तो भाई मानना तो पड़ेगा कि आपका रिज़ल्ट 20 मई के बाद आएगा। लेकिन ये फिक्स नहीं है, इसके चेंज होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में चल रही हैं। आपका रिज़ल्ट हो सकता है बहुत पहले भी डिक्लेयर हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, एक तो आपके रिज़ल्ट के डेट का अपडेट है, बाकी एक अपडेट हमारे पास ये है कि हो सकता है कि इस बार जो आपका मार्क्स होगा, या तो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स अलॉट किए जाएंगे कि आपने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, या फिर हो सकता है इस बार आपको CGPA भी देखने को मिले। तो सीबीएसई ने ऐसा बोल रखा है कि मार्क्स और CGPA दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में आपका रिजल्ट आ सकता है, या फिर दोनों ही फॉर्म आ सकते हैं। दूसरा चीज़ सीबीएसई ने क्या बता रखा है कि इस बार नो मेरिट लिस्ट, कोई भी मेरिट लिस्ट अनाउंस नहीं होगी। शायद आप सही बच्चों को पहले से ये बात पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया, इस बार कोई मेरिट लिस्ट, कोई नो टॉपर अनाउंस्ड। ये चीज़ें इस बार सीबीएसई ने एकदम क्लियर कह रखा है कि कोई भी टॉपर अनाउंस नहीं किया जाएगा, कोई भी मेरिट लिस्ट इस पर बच्चों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और आपके मार्क्स CGPA में आने के पूरे चांसेस हैं। हो सकता है कि आपको आपके सब्जेक्ट का परसेंटेज CGPA के फॉर्म में देखने को मिले। तो बहुत जल्द हमारा एक वीडियो आएगा कि अब आप CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको मार्क्स ग्रेड के फॉर्म में अलॉट किए जा रहे हैं तो आप ग्रेड को CGPA और परसेंटेज के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, आप अपना ओवरऑल परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। अब रही बात हम लोग अगर ग्रेस मार्क्स की बात करें, अगर हम लोग ग्रेस मार्क्स की बात करें देखो होता क्या है कि सीबीएसई ज़्यादातर केस में बच्चों को ग्रेस मार्क्स अलॉट करता है, बट यह एक इंटरनल प्रोसेस है। इस पर सीबीएसई कभी कोई एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज नहीं कर रहा होता है कि हम आपको ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। बस होता क्या, क्योंकि अगर कोई बच्चा एक दो नंबर से फेल हो रहा है, दो तीन नंबर से फेल हो रहा है, मैक्सिमम 5 मार्क्स से अगर कोई बच्चा कह रहे हो रुक रहा है, तो जो टीचर्स कॉपी चेक कर रहे होते हैं, थोड़ी सी कॉपी की लीनियंट चेकिंग करके उनको 3 to 4 मार्क्स उनके इंक्रीज कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट में बढ़ाए जाते हैं, किसी एक दो सब्जेक्ट में अगर आपके परसेंटेज डाउन रह जा रहे हैं, आप एक दो नंबर से फेल हो रहे हो, तो आपका इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो आप मान लो कि ग्रेस मार्क्स थोड़ा बहुत मिलता है, बट ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि आपको सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देने वाला है या फिर आपके मार्क्स बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा कोई भी कन्फर्म ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो ग्रेस मार्क्स के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि आप बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप मान लो कि किसी सब्जेक्ट में अगर आपका पासिंग मार्क्स से एक दो मार्क्स कम रह रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक दो मार्क्स कम है, तो आप निश्चिंत रहें, टीचर्स आपको ज़रूर वहाँ क्वालिफाई कर देते हैं। बट अब मान लो आपका पासिंग मार्क्स 20 मार्क्स है और आप 10 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो फिर आपको कोई कैसे पास कर पाएगा। तो यहाँ पर ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट करना गलत होगा, ठीक है। बट आप यकीन मानो, अगर आपके एक दो मार्क्स से आपके रिजल्ट्स ख़राब हो रहे हों, तो टीचर्स आपको ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, ज़रूर आपको पास कर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो से बच्चों को अच्छा लगा होगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने मार्क्स को आप CGPA से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, अगर मार्क्स आपके ग्रेड के फॉर्म में आ रहे हैं तो ग्रेड को आप CGPA और परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर पाएँ। तो इस पर एक बहुत जल्द एक काफ़ी डिटेल वीडियो आएगी, जिसको आप देख करके आप समझ सकते हो कि हाउ टू कन्वर्ट योर परसेंटेज इंटू ग्रेड्स, हाउ टू कन्वर्ट योर ग्रेड इंटू परसेंटेज, काफ़ी डिटेल वीडियो होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू।